फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं आज एक नए टॉपिक के साथ एक नया वीडियो लेके आई हूँ आपके साथ। जैसे कि मेरा आज गुरुवार व्रत है, यानी फास्टिंग है मेरा। तो मेरी माता श्री ने मेरे लिए फलाहारी बनाया है, आलू और शरबत। सो मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, इसका टेस्ट बताइए। जैसा कि सभी को पता है, गुरुवार के दिन नमक नहीं खाया जाता है, तो इस फलाहारी में नमक बिल्कुल भी नहीं है। इस मेरी माता जी ने कब से मुझे बोले जा रही थी कि आलू बना के लाओ, खा लो। मैं बोली मैं नहीं खाऊंगी अभी। फिर भी उन्होंने जल्दी से बना के लाया, मेरे सामने रख दिया। मैं भाई से बात कर रही थी, कहे भाई तो अभी लाइब्रेरी चला गया है, ला के रख दी, अब मुझे खाना पड़ रहा है। क्योंकि इस आलू में नमक बिल्कुल भी नहीं है, गुरुवार में नमक खाते नहीं है, तो इसमें नमक है नहीं। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, सोना है। जैसे कि माँ के हाथ का जो बना हुआ चीज़ है, तो उसमें तो बहुत सारा प्यार रहता है, बहुत सारा टेस्ट रहता है, मिठास रहता है। तो ये दुनिया की सभी माओं के लिए मैं बोल रही हूँ, जितनी माँ है दुनिया में, वो लोग जब भी अपने बच्चों के लिए कुछ बनाती हैं, उसमें मिठास, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा मिठास रहता है। इसलिए उसमें नमक रहे या ना रहे, कुछ भी ना रहे, ऐसे ही बना के देते हैं, तब भी वो बहुत ही टेस्टी लगता है। जो मेरी मम्मी ने बनाया है, और मेरी दो माँ है, एक मायका की एक ससुराल की, तो दोनों माँ सेम है, कोई अंतर नहीं है। जैसे मुझे जन्म देने वाली माँ है, वैसे मेरी कर्म देने वाली माँ है। तो दोनों एक बराबर है, कोई डिफरेंट नहीं है। दोनों बहुत ज़्यादा प्यार से चाहती हैं, और मेरे मुँह से निकलता नहीं है कि मेरी दोनों माएँ मेरे लिए दौड़ के वो चीज़ करती हैं। जैसे मैं यहाँ बना बनाया खाती हूँ, वैसे मैं वहाँ पर भी बना बनाया खाती हूँ, क्योंकि मेरी दोनों मम्मियाँ बहुत ही अच्छी हैं। तो उनके लिए बहुत सारा प्यार रखी हूँ, बहुत सारा प्यार जुटाऊँगी। तो दोस्तों, आप लोग भी टेस्ट करिए और बताइए कैसा है। और आप लोग भी अपने माँ से बहुत सारा प्यार करिए, और उनके हाथों का हफ्ते महीने में कुछ बना हुआ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको पिज्ज़ा, बर्गर और जो आइटम्स रहते हैं मार्केट, वो खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो चीज़ें उसमें नहीं रहती है, जो चीज़ें इसमें रहती है, माँ के हाथों का बना हुआ जो ठीक रहता है। तो अपने माँ का बहुत सारा ध्यान रखिए और उनको बहुत सारा प्यार करिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, मेरी दोनों माएँ एक समान है, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। मेरी जान, मेरे प्राण, मेरे सब कुछ है। तो मेरी माँ जो है, मेरी दुनिया की सबसे कीमती जो चीज़ होती है, वो सबसे ज़्यादा इन लोग जो है, इन लोगों का जो प्यार है ना, किसी भी चीज़ का मुकाबला कर ही नहीं सकता है। सो अपने अपने माओं को बहुत सारा प्यार के लिए बहुत सारा ध्यान रखें, क्योंकि इस दुनिया में माएँ एक ऐसी हैं जो दिल की गहराइयों को समझती हैं, कि क्या तकलीफ है मेरे बच्चे को, कैसे हैं वो लोग, खाने पीने को बहुत सी चीज़ें समझते हैं जो कोई भी नहीं समझ सकता है। तो जो माँ होती है ना, वो कभी समझने की कोशिश करती है, क्योंकि सभी माँ अपने बच्चे को तो समझती ही है, सभी माँ अपने बच्चे को तो समझती है, पर बच्चे को भी समझना चाहिए कि हमारे माँ बाप के अंदर क्या है, हमारे लिए क्या चीज़ें हैं, उनको भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि माँ बाप ही तो समझते हैं हमेशा, बचपन से लेके बड़े तक, उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को नहीं समझते। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है, माँ बाप का प्यार और साथ रहना। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हम नहीं पा सकते, बहुत सुकून मिलता है। करोड़ों लाखों की जो दौलत होती है ना, वो सब बेकार है इनके प्यार के आगे। इसलिए आप लोग माँ का, माँ बाप का बहुत ध्यान रखिए, बहुत सम्मान और बहुत रिस्पेक्ट दीजिए। अगर इस कलयुग में भगवान है, तो अपने माँ बाप को पूजिए, मंदिर में जाके वहाँ दिया बत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती जो दिखाते हो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपको। क्योंकि जब अपने घर में अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट, माँ बाप का इज्जत सम्मान नहीं है, तो अगर बच्ची दूध दिखा के क्या करूँगी। जहाँ से हमको दिल
कार्य करके उस दिन आपको अंदर से जो संतुष्टि और जो शांति मिलेगी ना, आपको मंदिर में भी जाके नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने घर में, अपने घर को, अपने माँ बाप को ये मंदिर और भगवान समझो। जब समझोगे तब मंदिर जाके दर्शन पूजा पाठ करोगे, तब उसको उसका जो फल है वो मिलेगा, तब वो फलित होगा। इसलिए सम्मान करते रहो माँ बाप का, इज्जत देते रहो, चाहे वो ससुराल की माँ हो चाहे वो मायके वाली माँ, दोनों माँ एक समान होती हैं। ये बात नहीं भूलना, ये गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, दोनों के लिए है। सो जो माँ होती है, दुनिया की सभी माँओं की बात कर रही हूँ, इसलिए माँ 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 की जगह कोई नहीं ले सकता। इसलिए माँ को समझो। जब माँ बाप आपको समझ रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आपको भी समझना चाहिए। उनके तकलीफ को उनके लिए बहुत महंगा सामान नहीं लाओ, थोड़ा सा 10 रुपए का सामान लाओ, तब वो प्रसन्न हो जाएंगे, हाँ मेरा बच्चा मेरे लिए ये चीज़ किया है। ये बात ध्यान रखो। और मैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो मैं अपने माँ बाप को खुश रखती हूँ, इसलिए मैं अंदर से शांत, मेरे अंदर बहुत शांति है, संतुष्टि है। अब मुझे दुनिया की कोई धन दौलत नहीं चाहिए, ये लोग मेरे साथ रहे, यही मेरा धन दौलत है, यही लोग। और मैं ये लोग धन दौलत की बात छोड़े, ये लोग मेरी जान है। सो आप लोग भी ऐसे ही करो, देखना आप लोगों को हाय हाय जो मजे है पूरे दुनिया में। किसी के पास टाइम नहीं है, नौकरी पानी, हाय पैसा, हाय पैसा। पैसा भी जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपने घर वालों को भी भूल जाओ, खास करके माँ बाप। मैंने देखा है कि जो माँ होती है, चाहे जितनी हो जाए, यहाँ तक कि 90 साल की, 95 साल की भी हो जाती है, तब भी उनको ध्यान देता है कि मेरा बच्चा कुछ खाया है कि नहीं खाया है। चाहे उनके नाती पोते कुछ भी हो जाए, मतलब उनके बेटे की एज 70 साल क्यों ना हो, सो भी वो अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखती है। उनको टेंशन लगा रहता है, मेरा बच्चा ये काम करने गया था, खाया कि नहीं, मेरा बेटा कुछ खाया कि नहीं, बहुत परेशान है वो। जो माँ बाप होते हैं ना, वो जो पूजा पाठ करते हैं भगवान के लिए, वो अपने लिए नहीं करते, वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। मेरे बच्चे सुख शांति से रहें, खुशी से रहें, उनकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण हो, जो वो सोच रहे हैं वो सभी हो पाए। तो ये चीज माँ बाप के अंदर चलती है। ये नहीं कि बहुत से घरों में, मैं भी देखती हूँ, जिस घर में हुकूमत निवास करती है, सुख शांति भंग रहती है, कलेश मचा रहता है, उस घर में कभी भी संतुष्टि और कभी कोई पैसा नहीं हो सकता है। चाहे आप लाखों करोड़ों की कमाई क्यों ना करते हो, लेकिन वाइफ अब चला जाए, जब तक आप माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए जरूरी है रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना, उनको पूजो। जब भी कहीं से आ रहे हो, आप अपनी पत्नी का भी ध्यान रख रहे हो, अच्छी चीज़ें हैं। पत्नी किसी के घर से आई है तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पर जो माँ बाप ने जो आपके लिए कुर्बानियाँ की है, जो आपके लिए दुख सुख में सहा है, वो तो आप समझोगे नहीं, इसलिए आपको समझना पड़ेगा उनके लिए। आप अपनी पत्नी के लिए कर रहे हैं तो अपनी माँ के लिए भी वैसे ही करो, दोनों को बराबर इज्जत। माँ के बारे में यही सब बातें बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब मेरी फीलिंग्स हैं और मैं माँ से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा हर इंसान का दो माँ बाप होते हैं, एक ससुराल का और मायके का। जो ससुर जो मायके की होती है, और जन्म देने वाली होती है, और जो ससुराल की होती है, वो हमारा गर्व बनाने वाली होती है। सो हमारी ज़िंदगी को सही पटरे पर चलाने वाली होती है, जो सही पटरी होती है उसमें चलाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए होती है। सो इस बात को ध्यान रखना, दोनों माएँ एक बराबर होती, जैसे कृष्ण कन्हैया की दो माँ थी, देवकी माता और यशोदा माता। तो सभी के पास देवकी मैया और यशोदा मैया है, इस बात को नहीं भूलना, समझे आप। क्योंकि जो देवकी मैया होती है वो तो होती है, वो हमको जन्म देती है, और जो यशोदा मैया होती है हमारा पालनहार, हमारा नैया पार कराती है। सो इस बात का ध्यान रखना, यशोदा मैया बहुत प्यार करती हैं, बहुत हमारी ज़िंदगी को सही रास्ते, सही मायने सिखाती हूँ। इसलिए इस टॉपिक को, इस वीडियो में यहीं पे।
बताऊंगी आपके साथ